रेस्टोरेंट संचालक को सपा सरकार आने पर गायब करने की धमकी दी गई है। आरोपी सैफई निवासी पीड़ित की भाभी रेखा यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट संचालक को सपा सरकार आने पर गायब कर देने की धमकी दी गई है। आरोपी सैफई निवासी पीड़ित की भाभी रेखा यादव पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गोपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गोपाल, क्या जानकारी है? आखिर योगी सरकार कहती है कि हम गुंडाराज को खत्म कर देंगे, वहीं अब ऐसी खबर, कौन है आखिर ये लोग जिन्होंने ये धमकी दी है? जी आपको बता दूं कि ये अखिलेश यादव की जो रेखा यादव हैं, जो कि अखिलेश यादव की करीबी अपने आप को बताती हैं, और इनका पुराना जो जमीनी विवाद चल रहा था उसको देखते हुए कुछ दिन पहले एक जो इनके घर पर आकर इन्होंने हंगामा किया, उसके बाद यहाँ पर अगर एक बात कही जाए तो उनकी जो जो रेस्टोरेंट संचालक है तो उसके कर्मचारियों को फोन कर सपा सरकार आने के दौरान गायब करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद यानी पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने जो सपा नेत्री है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर यहाँ पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी गोपाल, अब क्योंकि सपा नेत्री पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है तो क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कह रही हैं? देखिए उनका मानना है कि जिस तरह से जब उनसे बात की गई थी तो उनका कहना था कि जो जमीनी विवाद है, हालांकि जमीनी विवाद चल रहा है, काफी पुराना जमीनी विवाद है, लेकिन इस तरह की जो प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, एक उन्होंने जो बात कही थी, जो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सपा सरकार के दौरान जो यहाँ से गायब करने की धमकी गई, तो ये एक तरह से पूरी तरह से जो गुंडागर्दी है, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो और जो सपा के जो कुछ नहीं जो पदाधिकारी हैं, जब उनसे उनकी बारे में बात करी गई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया था कि ये अखिलेश यादव की सरकार को कह सकते हैं कि बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि योगी सरकार है, गुंडों पर पूरी तरह से लगाम लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की ऑडियो आना एक ही बहुत बड़ी बात है। जी गोपाल, खबर ये भी थी कि जबरन सामान लेकर घर में घुसने का भी सपा नेत्री ने प्रयास किया था, उस पर जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है, उनका क्या कहना है? देखिए वो काफी समय से ये जो पुलिस को लेकर चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने कई बार आने तब, लेकिन फिर ये बाद में जब मीडिया, जब एक ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद ये मीडिया में सुर्खियों में आए, यह प्रकरण सुर्खियों में आया, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद जो सपा नेत्री हैं, जिस तरह से उनकी जो उस दौरान जो वॉइस जो वायरल हुआ था उसमें जो वॉइस देखी गई थी तो उसमें जो उनको धमकाने का काम किया जा रहा था, तो उस बिहाफ पर पुलिस ने एक एक्शन लिया और फिर उनके जो सपा नेत्री हैं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। आपको एक बार फिर बता दें, आरोपी सैफई निवासी पीड़ित की भाभी रेखा यादव पर मुकदमा दर्ज है। रेस्टोरेंट संचालक को सपा सरकार आने पर गायब करने की धमकी दी थी, साथ ही रेखा यादव के साथ अज्ञात दो दर्जन साथी भी मुकदमे में शामिल बताए जा रहे हैं। जबरन सामान लेकर घर में घुसने का भी सपा नेत्री रेखा ने प्रयास किया था, साथ ही सपा नेत्री खुद को अखिलेश की करीबी बताती है।